और ये है रानीखेत का दीवान सिंह हॉल। आ जाओ, याद है ताजा करो। तनु तो कितना छोटा था तब ना, देखो बंदर। ये तनु, तनु हमारा इतना बड़ा हो गया तब छोटा सा था। यहाँ बचपन में आते थे हम ना, छोटे में आते थे ताई के साथ। बस मस्त। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं नीम करौली बाबा जी के। देख रहे हो वही वाली तो है वो, वही तो। ओ देख गणेश जी की ना कितनी बड़ी है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी बिल्कुल बढ़िया हैं। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, दिन के 2 बज गए हैं और आज हमारे गांव कुंस्यारी से हल्द्वानी के लिए प्रस्थान हो रहा है और सभी हमारे जो परिवार वाले हैं सभी लोग जाने लग गए हैं। तो आप सभी लोगों को भी ले चलते हैं और आप सभी लोग बने रहना हमारे साथ। और ये है पहाड़ों के खूबसूरत से नज़ारे हमारे गांव कुंस्यारी से, और ये है हमारा प्यारा सा घर। और यहाँ पे अम्मा बैठी हैं, और ये है मेरे देवर जी का मकान, और ये हमारे बच्चों ने भी बैग तैयार कर लिए हैं। और सामने के नज़ारे कुछ इस तरह से दिख रहे हैं, पूरी धुंध बनी हुई है। और यहाँ पूरी जो खेतों की घास है ना, काट के स्टोर करने के लिए पूरे लूटे लगा दिए गए हैं। सासू पहला कभी। और हम बाखली से भी हमारी विदाई हो गई। अब जानू सीद हिटो हिटो, बाय बाय। हल्द्वानी पण ठंडा हो गया। पंकु बाय, चलो बाय बाय। ओए भाइयों को मिके, ओए ओए दीवाला, ओए आओ आओ तुम्हारा फिर एक दिन में। चलो फिर बाय बाय। ओ माता काली के भगवान हे माता, जय हो। सबके सब भाग गए हैं, चलो बाय बाय। कुंस्यारी से विदाई हो गई हमारी है, कुंस्यारी से विदाई हो गई है। हल्द्वानी को, हल्द्वानी को प्रस्थान दिन के 2:15 हो गए हमारे। कितने बजे पहुंचे यार हम? हाँ वो खाली अरे या तो उनको नींद का नहीं आया होगा, वैसे नींद का कमा तो नहीं आया होगा क्योंकि जो
दोस्तों हम पहुंच गए हैं रानीखेत और ये है रानीखेत का केमू स्टेशन। पार्क और ये है रानीखेत का दीवान सिंह हॉल। आ जाओ याद है ताजा करो। तनु तो कितना छोटा था तब ना, फिर देखो बंदर सुन ये है तनु। तनु हमारा इतना बड़ा हो गया तब छोटा सा था। यहाँ बचपन में आते थे वन हम ना, छोटे में आते थे ताई के साथ। और ये है माल रोड की एरिया। हाँ फिर यहाँ का शुद्ध शाकाहारी भोजन है नीम करौली बाबा के, बाबा जी के दरबार में। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं नीम करौली बाबा जी के। आज तो हम बाहर ही नहीं निकल पाते हैं, बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। जय हो नीम करौली बाबा, नीम करौली बाबा पार लगाओ, सबकी नैया पार लगाओ, पार लगाओ। और यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ बाबा हो, इतना मिठा है ये। पाँव और आगे तो रोड में पूरा ये गई नैनीताल को रोड। गाड़ी वाले ने अपनी बिल्डिंग का नाम लिखवा। तो दोस्तों आज हम ना जा रहे हैं जोलीकोट वाले रास्ते से और पहुंच गए हैं भूम्याधार में। और यहाँ पे है श्री पायलट बाबा जी का मंदिर, आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं, बाहर ही बाहर कराएंगे क्योंकि रात हो चुकी है। है श्री पायलट बाबा का आश्रम जोलीकोट के पास। जय हो भगवान। जय हो पायलट बाबा, जय हो गौ माता। वही वाली तो है वो, क्या आवाज है उसकी। वही तो वो देख गणेश जी की ना कितनी बड़ी वो है यहाँ पे। हाँ आगे वहाँ पर गणेश, वहाँ पर तो गणेश जी हैं, बजरंगबली आगे हैं। जय हो भगवान, हर हर महादेव भगवान। चलो लगाओ।
न्यूज देखी थी ताऊ आपने, एक लड़की के चक्कर में सीएम पूछ लिया था। कहाँ? लड़की रुकी सीएम के काफिला आ रहा भिड़ गए। वो आपस में लड़ गई उसको बचाने के चक्कर में पहली गाड़ी वाले ने ब्रेक मारा, सबके पीछे धड़ 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 एक एम्बुलेंस थी वो भी डूबी, पीछे एक बुलेरो वाला था उसने कट मार के निकाली साइड का। बीकानेर स्वीट्स तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हल्द्वानी में और आज का जो ब्लॉग है ना उसको यहीं पे रखते हैं, काफ़ी रात हो चुकी है। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जय देवभूमि, जय भारत और जय उत्तराखंड।